नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इंशा। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का नेशनल टुडे 24 में। खबर नोएडा से है। नोएडा के थाना सेक्टर 20 नोएडा पुलिस द्वारा धोखाधड़ी से नौकरी हासिल करने की कोशिश करने वाला एक अभियुक्त गिरफ्तार। कब्जे से घटना में प्रयुक्त दो मोबाइल फोन में सिम बरामद। दिनांक 25/6/2021 को थाना सेक्टर 20 नोएडा पुलिस द्वारा धोखाधड़ी से नौकरी हासिल करने की कोशिश करने वाला एक अभियुक्त भारत वर्मा पुत्र स्वर्गवासी वीरेंद्र वर्मा निवासी नेहरू पार्क बराई रोड बहादुरगढ़ जिला झज्जर हरियाणा वर्तमान पता गौर सिटी 2 एवेन्यू जे टावर 6077 ग्रेटर नोएडा को थाना क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्त के कब्जे से घटना में प्रयोग किए गए दो मोबाइल नोकिया के कीपैड एवं टच स्क्रीन वन प्लस में प्रयोग किए गए सिम नंबर 7889537373 व 7293531000 बरामद किए गए हैं। नोएडा से मनोज शर्मा की रिपोर्ट। सेक्टर 20 थाना में एक कंप्लेंट मिली थी जी नेटवर्क का तरफ से। जी नेटवर्क का जो CEO साहब है श्री सुधीर चौधरी, उनका पर्सनल मोबाइल पर एक व्यक्ति अपना आपको प्रधानमंत्री का PS का PA बताते हुए मैसेज किया है कि अगला दिवस प्रधानमंत्री का PS बात करेंगे। तो अगला दिवस दूसरा व्यक्ति बात किया है प्रधानमंत्री का, मैं PS बोल रहा हूँ बोल के मिस्टर सुधीर चौधरी से बात किया है। बात करके बताया गया कि एक व्यक्ति है भारत वर्मा, उसको नौकरी जी नेटवर्क में लगवा दीजिएगा और मैं उनको उनका रिज्यूम मैं भेज रहा हूँ, ऐसा बोलकर उन्होंने एक व्हाट्सएप अपना व्हाट्सएप मैसेज किया है मिस्टर सुधीर चौधरी को। और व्हाट्सएप में DP रखा है जो प्रधानमंत्री का PS का, और फोटो प्रधानमंत्री के जो साथ रहते हुए एक फ़ोटो भी रख लिया। जब इंटरव्यू देने पहुंच गया था पुलिस इनको पकड़ लिया था। पकड़ के पूछताछ करने में ये पता चल गया कि जो भारत वर्मा व्यक्ति है जो गिरफ्तार हुआ है, ये अपना आपको इस तरह का इंपर्सनेशन किया कि प्रधानमंत्री के कार्यालय से बोल रहा हूँ बोलकर दो मोबाइल से अलग अलग मैसेज और व्हाट्सएप किया है। उन दोनों को मोबाइल हम लोग रिकवर कर लिया गया और इस तरह का इंपर्सनेशन किया, इनको उचित धाराओं से पंजीकृत कर इनको जेल भेजा जा रहा। सर, इतनी DP जानकारी इन्हें कहाँ से मिली थी प्रधानमंत्री कार्यालय के बारे में और उनके PS के बारे में, PA के बारे में? ये अपना काफ़ी रिसर्च किया है, इनका ट्विटर हैंडल और इनको व्हाट्सएप वगैरह हम लोग जब चेक किए थे, इनका जो हिस्ट्री में देखा जा रहा है कि ये कुछ समय ये कुछ मीडिया हाउसेस में भी काम किया है डेस्क जॉब में, और इसलिए वो एक मीडिया हाउस में जो माना जाना मीडिया हाउस में नौकरी लगवाने के लिए इस तरह ये फ्रॉड का नौकरी घटना किया। क्या इससे अलग भी कहीं और इस तरह की कॉल्स की गई हैं? इनके द्वारा नहीं, हम लोग जो चेक किया इनका रिकॉर्ड्स वगैरह चेक किया है, इससे पहले इस तरह के इनका द्वारा अप्रोच नहीं किया गया है। सुनने में आ रहा है कि अभी जो वर्तमान जगह पे जहाँ भी है वहाँ नौकरी का जो सैलरी है कोविड कोरोना समय में कम हो गया है, और इनको बहुत शौक है कि जी जैसे बड़ा नेटवर्क में काम करने के लिए। तो पूछताछ में ये बताया कि इस तरह में काफ़ी रिसर्च करके ये बहुत उच्च स्तर से बोलेंगे तो नौकरी लग जाएगी सोचकर इस तरह घटना की है।